हेलो गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कैमरामैनी करते हैं, आपने न्यूज़ के लिए सामने आना होता है या कुछ फुटेजेस लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, तो वो प्रॉपर कैमरामैनी कैसे की जाती है। देखिए, कैमरामैनी करने के लिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, यूँ कर लेते हैं और इसको यूँ करके बना रहे होते हैं, यूँ पिक्चर यूँ तेज़ 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 भगा रहे होते हैं, वो सब फुटेजेस ख़राब हो जाती है, वीडियोज़। याद रखिएगा, कभी भी जो है वो आपने यूँ स्टिल कैमरे को नहीं रखना, बल्कि आपने कैमरे को यूँ रोटेट डाउन टू अर्थ जो है ये रखना है, ज़मीन की साइड से यूँ करके फिर यू स्टिल लेते हैं। देखें, अब आप मुझे देख रहे हैं, अगर तो ये मैंने आपकी तरफ मोबाइल रखा हुआ, ये स्टेज है मेरे आगे, मैंने यूं रख लिया 10 सेकंड 20 सेकंड, ये पूरे स्टेज कवर हो रहा है। अब उसके बाद ये है कि हमने ये करना है कि राइट साइड पे हमने कर लेना है यूं, अगर राइट साइड से हम कोई ले रहे हैं, ये अगर ऑडियंस है तो हमने ऑडियंस के सामने यूं रख लिया, ठीक है, थोड़ा 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 रोटेट कर लेना है। बाद लोग होते हैं बहुत स्पीड में कर लेते हैं, ये 15-15 20-20 सेकंड के जो हमें चाहिए होते हैं, शॉर्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये ज़रूर आपके जहन में आ गया होगा कि हमने अब कैमरामैनी प्रॉपर कैसे करनी है। इस तरह से करना है, हमेशा सबसे पहले कैमरे को हमने साफ करना है। ये कैमरा है, इसको हमने साफ कर लिया हाथ से नहीं, बल्कि आपके हाथ में टिश्यू होना चाहिए या कपड़ा होना चाहिए, उससे आपने मोबाइल को साफ कर लिया, कैमरे को साफ कर लिया, और उसके बाद फिर 15-15 20-20 सेकंड के छोटे छोटे क्लिप बनाने होते हैं, घंटों की रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती। और उसके बाद हाथ पे कभी मोबाइल हिलना नहीं चाहिए, आपके पास होना चाहिए स्टैंड या सेल्फी स्टिक जिसमें रोटेशन कम हो। तो ये चीज़ें बहुत मद्देनज़र रखने वाली हैं, ये आपको प्रॉपर कैमरामैनी है। अगर इसके अलावा आपकी कैमरामैनी होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, वो खबर आपकी नहीं चलेगी। अक्सर दोस्तों को ये प्रॉब्लम रहता है, तो उम्मीद है कि आपको ये कैमरामैनी का काफ़ी हद तक पता चल गया होगा।